बताएं कि इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन डे का एहतमाम किया गया जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नवीद खोकर की इस रिपोर्ट में। इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन डे का इनेकाद किया गया जिसमें यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने शिरकत की। ओरिएंटेशन डे के मौका पर नए स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की गई जबकि इन्हें यूनिवर्सिटी रूल से आगाही भी दी गई। बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई एम डूइंग माय फिफ्थ सेमेस्टर। ओके, देयर आर एक्सपोज एज वेल एंड दैट्स व्हाई द ओरिएंटेशन वाज सुपरवाइज्ड। ओके, सो द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी दे नो दैट व्हाट दे हैव टू ऑप्ट आफ्टर They can like complete their degrees. यूनिवर्सिटी के डीन का कहना था कि बदलते वक्त के साथ लॉ एजुकेशन और दीगर कोर्सेज अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। आई एम डीन ऑफ सोशल साइंसेज, तो उसके नीचे है लॉ, मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंग्लिश। तो हमारे पास इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो बच्चे हमारे बैचलर्स भी करना चाहते हैं, मास्टर्स भी करना चाहते हैं इन ऑल वेरियस मैनेजमेंट एंड लॉ फील्ड्स। लॉ इज द बेसिक सब्जेक्ट दैट हैज टू बी देयर। इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड इट्स प्रोग्राम इन स्प्रिंग 2023, लेकिन इसके पीछे एक पूरी हमने पूरे एक फिलॉसफी डेवलप की। हमारी जो पीछे फिलॉसफी थी इबादत में शुरू करने की वो ये थी कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जहाँ पे किसी भी और चीज़ से जो सबसे बढ़ के चीज़ हो वो हो क्वालिटी एजुकेशन। इबादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंसेज, फार्मेसी, आईटी और डीपीटी समेत दीगर कोर्सेज पर फोकस कर रही है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3000 स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ 2 साल हुए हमें, और हम ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो कंप्यूटर साइंसेज, आईटी, फार्मेसी और अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर डीपीटी और 2-3 और एरियाज हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक और जो स्ट्रांग डिसिप्लिन है वो फार्मेसी है जिसके अंदर हम काफ़ी स्ट्रेंथ रखते हैं या हमारी काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं और उसमें बड़ी अच्छी लेबॉरटरीज बना के दी हैं। इसी तरह दूसरे प्रोग्रामों के लिए उन्हें बड़ी अच्छी लेबॉरटरीज बना के दी हैं। हम इस स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट को एक मेयारे तालीम दें और इस हद तक हम तरक्की करें कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बैन अक्वामी तौर पे जाके दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट जो हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें।